हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसा कि 65th का नोटिफिकेशन कल रिलीज़ कर दिया गया है, तो इसके रिगार्डिंग आपने भी सीटों की संख्या देख ली होगी कि जैसे कि 64th में देखने के लिए मिला था आपको कि 1495 सीट थी, जो कि घटकर 434 के आसपास रह गई हैं। तो आपको ये देख के लग गया होगा कि कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप अभी से अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो मान के चलिए कि रिज़ल्ट इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग जो हमारी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो भी हमारी सीरीज़ चल रही है, आप उसे कॉन्टीन्यूसली फॉलो करें, ये मोर देन इनफ है। हमारी घटनाचक्की सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की, साथ ही साथ एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। एमसीक्यू सीरीज़ इसलिए है ताकि आप फेमिलियर हो जाएँ एमसीक्यू से, ताकि एग्ज़ाम में जो ई ऑप्शन होता है उसकी आपको दिक्कत ना हो। साथ ही हमने जैसे आपसे वादा किया था कि हम जो है करंट अफेयर सेक्शन को भी अच्छे से लेके चलेंगे, तो नेशनल और इंटरनेशनल इशूज़ के तो करंट अफेयर जनवरी से लेकर सितंबर तक कवर ही कराए जाएंगे। साथ ही जो बिहार राज्य विशेष के क्वेश्चंस आते हैं उसको उसके भी जो है हम सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे। तो जो बिहार राज्य विशेष का करंट अफेयर है, ये हम 1 जनवरी से लेके सितंबर तक, जब तक आपका एग्ज़ाम जैसे प्रस्तावित है कि सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में होगा, तो आपको सितंबर तक का करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसके रिगार्डिंग हम सारा करंट अफेयर बिहार राज्य विशेष का भी कवर करा देंगे, जिससे आपको किसी भी साइड से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस होता है एग्ज़ाम में, और अच्छा वेटेज मतलब अच्छे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपका सिलेक्शन सिक्योर करते हैं। इनका क्वेश्चन गलत करना मतलब आपको बहुत बड़ी हानि होगी। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, ये हमारा पार्ट वन है और आगे ही मतलब कॉन्टीन्यूअसली आपको सीरीज़ मिलती रहेगी। हम कोई मंथ वाइज कवर नहीं करा रहे हैं, हम अपना श्योर शॉट ले रहे हैं। जो हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम में, वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं मैक्सिमम सोर्सेस से लेके। तो मान के चलिए ये हमारा पार्ट वन है और इसी तरह कॉन्टीन्यूअसली पार्ट आपके एग्ज़ाम तक आते रहेंगे, ठीक, जो जल्द ही कवर करा दिया जाएगा। देखिए, आज का जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि चंपारण सत्याग्रह आप जानते हैं, जो गांधी जी से रिलेटेड था, बिहार में अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है उसका था उसका किसान आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित राजकुमार शुक्ल का एक स्टैम्प जारी किया गया है बिहार सरकार द्वारा, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखें क्योंकि चंपारण बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2018-19 में बिहार की विकास दर कितने रहने की संभावना है? 12%, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप डबल टिक कर सकते हैं। करकटगढ़ में बिहार का पहला मगरमच्छ संरक्षण स्थल बनेगा, ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर पहला मगरमच्छ संरक्षण स्थल बनेगा, तो यह है करकटगढ़ में। यह एक जलप्रपात है, ठीक है, और यह किस नदी पे बना हुआ है? कर्मनासा नदी के ऊपर, ठीक है। ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 जनवरी 2019 को मंडल डैम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था, ठीक। मंडल डैम प्रोजेक्ट कहाँ पर है? झारखंड और बिहार दोनों में इसकी सीमा लगती है, तो झारखंड और बिहार को 24 मेगावाट बिजली ये प्रोजेक्ट देगा, इसीलिए यह शुरू किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यह मंडल डैम कौन सी नदी पर स्थित है? कोयल डैम पर, कोयल नदी पर, सॉरी। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राजगीर में 70 फीट ऊंचाई का लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू बनाया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पर लगाया जा रहा है? राजगीर में, ठीक, लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू लगाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जैसा कि इलेक्शन में है, इलेक्शन में जागरूकता बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, कि अगर लोग जागरूक नहीं हैं इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए, तो लोगों को एक तरह से जागरूक करना कि आपको वोट देना चाहिए, वोट आपका अधिकार है। तो इसके रिगार्डिंग बिहार में भी जो है इसके इसको इससे लोगों को जागरूक करने के लिए आइकन बनाए गए हैं। तो इस बार के आइकन कौन बनाए गए हैं? सीताराम सिंह जी को, ठीक। सीताराम मतलब ये लोगों को जागरूक करेंगे कि आपको भी वोट देना चाहिए। तो सीताराम सिंह है, ठीक, आइकन बनाया गया है, और ये क्या करते थे? ये ऑल इंडिया रेडियो से संबंधित हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार गंगा के किनारे बसे शहरों पर सैनिटेशन सर्वे किया गया है, ठीक। जो गंगा के किनारे शहर होते हैं उन पर एक सैनिटेशन सर्वे किया गया है, जिसके तहत बिहार के 17 शहर देखे गए हैं, ठीक है। तो आपसे संख्या पूछी जा सकती है एग्जाम में कि कितने शहर संबंधित हैं, तो 17, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है सिखों के गुरु हैं
गुरु गोविंद सिंह। तो इनकी 13 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की 352वीं जन्मदिवस था, ठीक, जो कि कहाँ मनाया गया है, पटना साहिब में। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश उत्सव के नाम से भी जानते हैं, ठीक। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इस बार ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जन्मदिवस था इनका ये, तो 352, ठीक। साथ ही देखते हैं, इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिवस पर दिल्ली में कितने कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था, 350 रुपये का, ठीक। तो इम्पोर्टेंस है आपके लिए ये। नेक्स्ट देखते हैं, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हुक्मदेव नारायण को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, ठीक। इनको इससे पहले सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी पुरस्कार दिया गया था। साथ ही देखें अगर, तो ये इनका मतलब मैक्सिमम जो है, याद रखिएगा कि अगर कहीं भी हुक्मदेव नारायण आपके ऑप्शन में रहेगा, तो चाहे वो सांसद हो चाहे पद्म भूषण, आपको उसमें टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, नेक्स्ट है कि देखिए, जैसे कि बिहार हो चाहे राजस्थान हो, यहाँ पे बच्चों के अवैध व्यापार रोकने के लिए कार्य चलते हैं। मतलब यहाँ पे बच्चों का अवैध व्यवहार, सॉरी, बच्चों का अवैध व्यापार ज़्यादा चलता है, जैसे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो बिहार सरकार और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर इसके लिए कार्य कर रही हैं, ठीक, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है इसको रोकने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, मधुबनी में नीतीश कुमार ने मिथिला चित्रकला, ठीक है, संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय भवन का शिलान्यास किया। कहाँ पे किया गया है, ये आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिथिला, जैसे मिथिला कला जो है बिहार से बहुत संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंस रखता है, कहाँ पे किया गया है, मधुबनी में। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, स्मार्ट सिटी से संबंधित एक मिशन चल रहा था अमृत, तो इसके तहत पटना में 17.5 किलोमीटर रोड को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक। अमृत मिशन के तहत पटना में 17.5 किलोमीटर रोड का को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कितने किलोमीटर, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, तो 17.5 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, अभी अभी पटना में मछलियों पे बैन लग गया था, ठीक है, मछलियों की बिक्री पे बैन लग गया था। क्यों लग गया था, क्योंकि उसमें फॉर्मेलिन था, कैडमियम था, मरकरी था, जैसे और लेड जैसे हैवी मेटल पाए गए थे, ठीक है। तो इसके कारण मछलियों पर बैन लग गया था। अब फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेलिन जैसे कि जो मछली होती है इसको सड़ने से बचाने के लिए उसके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मेलिन, कैडमियम, मरकरी और लेड जैसे हैवी मेटल जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं, ये उसमें पाए गए, जिसके कारण पटना में उसमें बैन लगा दिया गया। तो आपसे एग्जाम में ये चारों ऑप्शन पूछ लिया जाएगा और साथ में ई ऑप्शन डाल दिया जाएगा, तो आपको उसमें एलिमिनेट करके बताना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें पाया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, अभी हमने ऊपर देखा था हुक्मदेव नारायण यादव जी का, साथ ही साथ उनको क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था। यहाँ पे इनको क्या मिला है, इनको पद्मश्री मिला है। तो बिहार में 5 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, जिनके नाम निम्न हैं। तो आपसे एग्जाम में दो चीज़ पूछी जा सकती है कि कितने लोगों को मिला है, 5। साथ ही साथ इन 5ों के नाम दे दिया जाएगा और ये दे दिया जाएगा कि इनमें से किसको मिला था किसको नहीं मिला था। तो आपको ये 5 नाम रटने पड़ेंगे। तो पहले जो एक्टर थे मनोज वाजपेयी, इनको मिला है। फिर है गोदावरी दत्त जी को मिला है। नेक्स्ट है ज्योति कुमार सिन्हा जी को मिला है, राजकुमारी देवी को और भागीरथ देवी को, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2 देवी हैं, एक सिन्हा है, इनका नाम आपको याद ही रहेगा, गोदावरी दत्त नदी के नाम पे आप याद कर सकते हैं। ये याद करने की ट्रिक है, कोई पर्सनल ना ले इसको। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट 3 फेज 3 है के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB जिसे कहते हैं, जिसका मुख्यालय फिलीपींस में है, के बैंक से $200 मिलियन का लोन साइन हुआ है। तो जितनी भी जो है वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गया, जितने लोन होता है ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इनका आंकड़ा पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के मुंगेर जिले में, कहाँ पर, मुंगेर जिले में, सॉरी, मुंगेर जिले की बेटी हैं मोना दास, इनको अमेरिका का सेनेटर बनाया गया है, कहाँ का, वॉशिंगटन का। तो आपको इंपॉर्टेंस रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसे बनाया गया है, मोना दास को, कहाँ का बनाया गया है, अमेरिका का, अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य का, ठीक है। मोना दास किससे संबंधित हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, बिहार के छपरा जिले में, कहाँ पर, छपरा जिले में, भारत का सबसे लंबा डबल डेकर सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के छपरा जिले में भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लागत कितनी है, 411 करोड़ रुपये।
तथा इसे 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा भारत का सबसे लंबा डबल डेकर सड़क पुल कहाँ बनाया जा रहा है, तो छपरा में। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के मोतिहारी में, कहाँ पे? मोतिहारी में जिले में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है। कहाँ पे लगाया जा रहा है? मोतिहारी में। क्या लगाया जा रहा है? मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। इसकी लागत कितनी है? 15 करोड़ रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट्स हैं, इस बार पूछा जा सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी को प्रवासी बिहार दिवस मनाया गया है, ठीक है। बिहार प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए, जैसे बिहार के, बिहार स्टेट है, ठीक है, यहाँ से कुछ लोग दूसरे देश चले जाते हैं, दूसरे देश, ठीक है। तो अब ये प्रवासी दिवस इसलिए है कि ये लोग, बिहार सरकार चाहती है कि ये अप्रवासी बिहार राज्य में पूंजी का जो है निवेश करें, ठीक है, बिहार में वापस जो है यहाँ से कमा कर यहाँ पर निवेश करें, ठीक है। इसलिए ये पूंजी को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब पूंजी को आकर्षित करने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ है, ये हमारा पार्ट वन है। इसी तरह जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता, हम आपके साथ लगे रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, और इसी तरह के वीडियोस पार्ट्स में आते रहेंगे, ठीक है। और ये मान के चलिए, एग्ज़ाम से पहले हम सारा जो है बिहार का करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पूरा कवर करा देंगे। ये कोई मंथ वाइज नहीं है, हमारा पार्ट में सीरीज़ आती है, ताकि जो है जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सब कवर हो जाए इसमें। इसमें मैक्सिमम सोर्सेज पे ध्यान दे के रिसर्च करके बनाया जाता है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, और सभी चीज़ें एक जगह कवर अप कर दी जाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये सीरीज़, और आगे भी ये सीरीज़ कॉन्टिन्यूस आती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।